मेरे यहाँ से घुमाई हो है। अरे दिखा था उपरा तू बोला हाय बोल तू बाय बोल ऐसे तो बहुत बोला तू अब बोला अब तो एक कब फोटो ना निकाला जाती या एक दिन यहाँ बैठी है बोलो खूब चाचू तो क्या वीडियो चाहे वीडियो भेज दे ये सब तो वीडियो लेती हाँ भेज दे सबके करो वापस कहाँ हूँ दिखाते नहीं हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल डिकू मॉम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो बस यहाँ पर आपको मिला देती हूँ ये मेरे मामा पापा भाई यहाँ पर सब बैठे हुए हैं मेरे घर आए और यहाँ मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरे मामा को ना फोटोज़ वीडियोस पसंद नहीं इसलिए मैं चुपके से एक वीडियो चिराग को मैं बोली एक वीडियो बना दूँ क्योंकि मेरे मामा बहुत स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है उनको सब नहीं पसंद है तो चुप चुप के एक आध वीडियो बना ली बाद में मामा को पता चलेगा तो चिल्लाएंगे ऐसे डांटते तो नहीं है। ये देखो ये मेरे भाई इसमें मेरे भाई मामा पिंक शर्ट वाले मेरे मामा हैं और मेरे साइड में वाइट शर्ट जो मेरे बाजू में मेरे पापा हैं तो सब आए थे। उसके बाद से अपने घर मेरी बहन के घर पे आए थे यहाँ मेरी बाजू में ही मेरी बहन रहती है उनकी सास का बरसी था तो वहाँ पर आए थे। उसके बाद में मेरे यहाँ पर मैं सब लोग आए थे मिलके सब लोग गए और यहाँ पर ही फिर उसके बाद में मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। खुशी जैसे आपने देखा तो वो मॉर्निंग की क्लिप थी और यहाँ पर चिराग दूध गर्म कर रहा था मैं चुपके से उसकी वीडियो बना रही थी किस तरह से वो देखो गर्म कर रहा है उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। दूध ऐसा था फटाक से बॉयल हो जाता है इसलिए मैं उसको खड़ा कर देती हूँ वहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो बोलते हैं ना मटकी वगैरह सब मैंने भिगा के रखा हुआ था तो बस उसे मैं फ्राई कर रही थी। आप लोग से छोटा सा एक क्लिप था वो मैं शेयर कर देती हूँ कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो कुछ नहीं है सिर्फ सिंपल सा कांदा लहसुन गर्म मसाले टमाटर डाल के आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा पसंद है मैं बहुत अच्छा मतलब जब भी मुझे खाने का मन होता है तो मैं रात को भिगा देती हूँ या फिर ऐसे ही बॉईल करके बना लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और इसमें मैंने मक्का पड़ा हुआ था कॉर्न्स बोलते हैं वो भी मैंने ऐड किया है इसके डाइट जो कर रहा है जिसे वज़न कम करना है उसके लिए बेस्ट है। तो ये तो मेरे घर में अगर मैं बना दूँ तो मेरे बच्चों को और मैं सुबह आपको हमेशा मेरे घर में एनी टाइम आपको चना वरना सब कुछ भिगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा तो मैं बना देती हूँ मेरे मैं भी खा लेती हूँ सुबह मेरा भी नाश्ता हो जाता है बच्चों का भी हो जाता है सब कुछ ऐसे मतलब मेरा एक रूटीन है जो कि मैं अब कभी आपके साथ में पूरा रूटीन मॉर्निंग से लेकर मैं दोपहर तक का शेयर करूँगी। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे ये तुअर की दाल है जो गाँव की दाल है उसे मैंने भी भिगा लिया था उससे फिर उसके बाद में मैंने इसे अच्छे से पीसना है और उसमें जो मैंने मूँग मटकी भिगाई थी वो भी डाल दिया लहसुन जीरा गर्म मसाले नमक ठीक है। हम इसे अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो अभी मैं उसका कैप लगा देती हूँ ऊपर एक कैप होता है वो भी लगाना है तो पहले मैं यहाँ पर बंद करके पीस लेती हूँ। उसके बाद में इस तरह से हमें एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है तो अभी इससे हम अच्छे से अभी एक प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये डिश बनती है सच बता रही हूँ। तो एक ही कल मैंने ये सारे डिशेज बनाए थे कल एक ही दिन में मैंने इतने सारे रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर किए थे बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है हम भी खा सकते हैं। और इसके बाद में कॉर्न्स जो कि मेरे पास पड़े थे इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया अगर आपको डालना है तो डालें नहीं डालें तो वो आपके ऊपर है इसे आप हटा भी सकते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा मैंने चावल का आटा कांदा वगैरह कट करके एक मैंने अच्छा सा ठीक मतलब ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए तो यहाँ पर मैंने अच्छे से एक डो बना लिया है देखिए इस तरह से एक हमें चाहिए अगर हम ज़्यादा कर देंगे ना तो वो तेल में पूरा स्प्रेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हमें थोड़ा थिक रखना है। और इसके बाद में हम तेल गरम करने मैंने रख दिया था गर्मा गर्म पकौड़ी बना के रेडी कर लेते हैं। इसे आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा शेप देना चाहते हो तो वो लेकिन मैंने इसे सिंपल सा एक अच्छे से गोल गोल जैसे हम बनाते वैसे बना करके मैंने सारे पकौड़े बना के तैयार कर लिए थे। और चिराग ने जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है चिराग की क्लास जाते हैं बच्चे तो 8 बजे आ रहे मम्मा कुछ तो आपने स्पेशल बनाया इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी तो यहाँ पर मैंने सॉस था चाय और चटनी
तो इसके पापा को भी मैं दे देती हूँ। आज के बाद में फिर मैं और भी और मेरे साथ मेरे पास रेसिपी है जो आगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए कि ये लगता है डबल रेसिपी आ गई है, क्योंकि मैंने पहले तो आपको दिखाया है, फिर से इसमें ऐड हो चुका है। जो फर्स्ट की क्लिप थी वो शायद उसमें नहीं थे तो यहाँ पर ऐड हो गया, सॉरी, बट ओके कोई नहीं, ये पहले ही हो चुकी है रेसिपी, बट आ गया है। और इसके बाद में फिर मैं बनाती हूँ डोको के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि डोको के डिमांड बहुत होते हैं पिज़्ज़ा, तो मैंने दिमाग लगाया कि चावल के आटे के पिज़्ज़ा बना, जो कि बच्चों के लिए हेल्दी भी और टेस्टी भी। मैंने पहले सिंपल सा चावल का डोबका करके यहाँ पर देखिए मैंने उसका ऊपर का जो परत होती है वो निकाल दिया, सिंपल बनाने के लिए, बाहर का खा खा के बच्चों को नुकसान भी करता है, इसलिए मैंने सोचा अभी यही करती हूँ। और डोको बहुत प्यार से खा रहा था, बस इस तरह से करके फिर से इसके ऊपर जो मैंने परत निकाली थी वो लगा दी है, फिर डोको को दे दिया गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। और इसके बाद डोको क्या किया, दीदी सोई थी और यहाँ पर देखो तो पूरा आटा लगा दिया, खुशी हो देख रही है, पूरा आटा लगाया है डुगू ने, पूरा देख रही है आटा लगा दिया है। क्लास से आने के बाद सो गई है और डुगू ने पूरा उसको आटा लगा दिया है। उठ 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 उठ, कितने बज रहे, 10:30 बज रहे, क्लास से आई और सोई पड़ी है।